जैसे हमारा टॉपिक है सब स्पेस, सब स्पेस में सबसे पहले एक्स हमें एक स्पेस दिया जिसमें क्या क्या एलिमेंट है ए बी सी डी ई एफ, उसकी टोपोलॉजी हमारी क्रिएट हुई है फाई ए सी डी ए सी डी और बी सी डी ई एफ और एक्स, ये हमारी टोपोलॉजी है यानी कि एक पावर सेट का सबसेट है टोपोलॉजी, जो कि हमारी टोपोलॉजी की तीनों कंडीशन को जो जो एलिमेंट होल्ड कर रहे हैं उनसे मिलकर हमारे टोपोलॉजी का सेट बन गया, ठीक, टोपोलॉजी स्पेस कहेंगे जिसे हम। अब हमारा एक एस सबसेट गिवन है तो हमें एस सबसेट को बताना है क्या ये सब स्पेस है या नहीं। एस सबसेट क्या है हमारा, जिसमें ए है, ए सी डी है, बी सी डी ई एफ है, तो ये किसका सबसेट है, एस जो सबसेट हम एस किससे बिलोंग किसका सबसेट है, टो का, यानी कि एस सब एस है क्या हमारा, हमने टोपोलॉजी का ये एक सबसेट ले लिया वो क्या है हमारा एस। अब हमें एस क्या हमारी सब बेस है, सब बेसिस है या नहीं ये हमें बताना है। तो एस हमारा सब बेसिस कब होगा, यदि हम एस के किसी दो सेम दो किसी दो एलिमेंट का यूनियन करें, चाहे वो सेम हो चाहे वो अलग हो, उन दोनों के यूनियन से यदि हम एक सेट तैयार करते हैं और वो सेट हमारा इसकी बेसिस बना देता है, यानी कि जो हमने बेसिस निकाली थी ना यूनियन करके, वो हम एक अनदर तरीके से निकालेंगे और उसे चेक वेरीफाई करेंगे कि सब बेसिस है या नहीं, उसका चेक करने का तरीका ही है, बनाएगा इन दी एंड वो बेसिस ही, उसका तरीका क्या है, यहाँ पे हमारी बेसिस गिवन होती है, यहाँ पे हमारी बेसिस बन के आएगी, पर चेंज इतना है बेसिस में हम चेक करते हैं क्या ये बेसिस है या नहीं बी सेट, यहाँ पे हमारा एस सेट की हेल्प से हम बेसिस बनाएंगे और उसे फिर चेक करेंगे क्या ये रियल में बेसिस है या नहीं, यदि वो बेसिस है जो सेट बना है तो ये हमारा क्या हो जाएगा सब बेसिस, क्या एस को क्या कह देंगे हम, ये क्या है हमारा सब बेसिस। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम ए का यूनियन करेंगे ए सी डी के साथ, फिर ए का यूनियन करेंगे बी सी डी एफ के साथ, तो इन दोनों के साथ इसका ए का यूनियन करा सबसे पहले, तो हमारे यदि इसके साथ यूनियन करेंगे तो खाली ए आएगा, इसके साथ यूनियन करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा फाई, तो हमने क्या लिख लिया ए और फाई आ गया हमारा। फिर हम क्या करेंगे ए सी डी ई का यूनियन करेंगे ए के साथ, फिर सेकंड एलिमेंट पर जाएंगे इसका यूनियन इसके साथ, फिर ए सी डी का यूनियन करेंगे इसके साथ। अब ए सी डी ई का यूनियन हम पहले कर चुके हैं ए के साथ, वो ए ही आएगा क्योंकि हम लिख चुके हैं तो उसे दोबारा रिटर्न नहीं करेंगे। अब ए सी डी ई का यूनियन करेंगे इसके बाद हम बी सी डी ई एफ के साथ, जैसे हम ए सी डी ई का यूनियन करेंगे बी सी डी एफ के साथ तो हमारा क्या क्या एलिमेंट कॉमन आएगा सी और डी, और सब एलिमेंट तो हमारे कॉमन नहीं आएंगे, तो हमारा इसका इंटरसेक्शन आ गया सी और डी। अब थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, इसका ए सी डी ई एफ का यूनियन करेंगे ए के साथ, जो कि हमारा फाई आ जाएगा, जो कि हम रिटर्न कर चुके हैं क्योंकि हमारा इसमें ए है ही नहीं। इसका ए बी सी डी ई एफ का यूनियन करेंगे ए सी डी के साथ, जैसे हम इंटरसेक्शन, सॉरी मेरे मुंह से हर बार यूनियन निकल रहा है, हम इसका इंटरसेक्शन करेंगे इसके साथ तो हमारा क्या आ जाएगा, एक तो सी कॉमन आएगा एक डी, तो हमारा सी आ जाएगा डी आ जाएगा, तो ये हमारा आ गया सी डी। इस तरीके से हमने ये सारे हमने क्रिएट कर लिए, तो इसका इंटरसेक्शन क्या सेट बन के क्या आया, एक तो ए आया, एक फाई आया, एक सी डी आया, एक ए सी डी ई, ये क्या हमारा एक तरीके से हम इसे क्या लिख सकते हैं बी, जैसे यहाँ पे गिवन नहीं था ये बी है, हमने इसे लिख लिया कि ये बी है। अब हम इसे वेरीफाई करने हैं क्या ये बी मतलब बेसिस है या नहीं, बेसिस वेरीफाई करने का तरीका सेम है किसी के, या तो इसके सेम एलिमेंट या इसके अलग अलग डिस्टिंक्ट एलिमेंट लेंगे, उनका यूनियन लेंगे, यदि उनके यूनियन की हेल्प से हम टोपोलॉजी स्पेस क्रिएट कर दें तो ये हमारी क्या हो जाएगी बेसिस। अब क्योंकि ये बेसिस हो जाएगी और बेसिस किससे क्रिएट हो के आई है एस सेट से, एस सेट का यूनियन करने पर हर एक एलिमेंट के साथ, तो ये एस क्या हो जाएगा हमारा सब बेसिस। तो ये थी डेफिनेशन सब बेसिस की, इसमें हम एक सेट बनाएंगे इंटरसेक्शन लेके, जो कि हमारा एक सेट बन के आया, मान लिया वो हमारा बी है, फिर हम उसे वेरीफाई करेंगे जैसे हमने बेसिस बनाई थी सेम इसी तरीके, क्योंकि हमें यही दिखाना है यदि ये बेसिस है जो हमारा सेट बन के आया तो हमारा एस सेट क्या हो जाएगा सब बेसिस। तो हमारा क्योंकि ये बी हमारा बेसिस यानी कि टोपोलॉजी क्रिएट कर देगा, यानी कि ये बेसिस है, तो हमारा क्योंकि ये इसकी एस हेल्प एस सेट की हेल्प से क्रिएट हुआ है तो एस सेट क्या हमारा हो जाएगा सब बेसिस। तो ये था हमारा सब बेसिस का कंसेप्ट।